प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो में कहीं भी जाते हैं, ये तो मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह से प्यार करने वाली जो जनता है वो आंखें और पलकें बिछाकर उनका इंतज़ार करती है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की सूचक हैं कि प्रधानमंत्री, जो कि अपने सरल, सहज और स्वाभाविक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जनता से संवाद के लिए जाने जाते हैं, जनता से मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जनता उनको सुनती है। और इस रोड शो के ज़रिए भी प्रधानमंत्री यही बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हम सबके साथ हैं। और यही मूल मंत्र है जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। और ये जो जनप्रतिनिधित्व है, ये हमने देखा, और इसी जनप्रतिनिधित्व को हमने G20 में देखा कि किस तरह से G20 का जो सफल आयोजन किया गया, वो आयोजन कितना अहम इसलिए था क्योंकि उसमें जन भागीदारी थी, वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना थी जिसे लेकर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और सबको साथ लेकर चल रहा है। तो आज का दिन जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहद अहम है। जहाँ जब हम गैस क्षेत्र की बात करते हैं, तो उस लिहाज से पेट्रोकेमिकल्स जो बीना रिफाइनरी है उसका विस्तारीकरण आज होना है। वहीं अगर जब हम गैस सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें नर्मदापुरम जो ज़िला है वहाँ पर किस तरह से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 10 परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा के वो स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, जब हम वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य ऊर्जा के साथ जोड़ने की बात करते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। आईटी पार्क्स की अगर बात की जाए, जहां रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, तो औद्योगिक उत्पादन से कैसे किसी राज्य को आर्थिक प्रगति से जोड़कर वैश्विक मानचित्र पर उसको इंकित किया जाता है, उस लिहाज से आज का ये दौरा मध्य प्रदेश, वहाँ की जनता के लिए बेहद अहम है। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब हम विद्युत की बात करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हर राज्य में जब हम परोक्ष रूप से जोड़ने की बात करते हैं, रोज़गार के मोर्चे पे लोगों को, उस लिहाज से भी इस तरह की योजनाएं अहम सूचक, अहम कारक साबित होती हैं कि जिसमें बहुत से लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें मध्य प्रदेश बीना से, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उस भावना से आत्मसात हो रहे हैं जब भी लोग प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रमों में देखते हैं, खास तौर पर रोड शो में, तो इसी तरह की तस्वीरें हमें लगातार मिलती हैं जिसमें प्रधानमंत्री को प्यार करने वाला जो हुजूम है वो वहाँ मौजूद होता है और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन जो है वो लगातार हाथ हिलाकर मुस्कुराकर करते हुए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि जब किसी राज्य के लिए केंद्र सरकार योजनाओं को सफल बनाने के लिए काम करती है और तय समय में, निर्धारित समय में वो योजनाएं पूरी होती हैं, तो ये जनता की वो विश्वास बहाली है जिस पर सरकार खरी उतरती है। और यही तो है ना कि जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं, हम बात करते हैं जवाबदेही की, तो ये सरकार की जवाबदेही है, ये पारदर्शिता है जिसके ज़रिए ये तमाम योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुँचे, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं। प्रतिष्ठा और प्रताप के परिचालक श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनके स्वागत को सत्कार देंगे। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज आप सभी की। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय गणों के की उपस्थिति को भी हम सम्मान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हमारे साथ, श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश,
श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, श्री गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश, श्री भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय विकास मंत्री मध्य प्रदेश, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, राजस्व एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश, श्री अरविंद भदौड़िया जी, प्रभारी सागर क्षेत्र एवं सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री, श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, श्री वी डी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, श्री राज बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद महोदय, साथ ही विधायक गण, श्री शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी एवं श्री महेश राय जी, आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, सप्त सुरों के घट सजाकर, मंगल ऋतुओं के पुष्प चढ़ाकर, मन वीणा के तार केवल एक ही बात कह रहे हैं और वो है स्वागतम, शुभ स्वागतम। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंच पर हमारे साथ हैं और आपके सत्कार हेतु सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें, आज के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इस स्वागत को सत्कार देंगे। साथ ही ये सांची स्तूप हम आपको भेंट करना चाहेंगे, आज के दिन की स्मृति को चिरस्थायी रूप में अंकित करने हेतु सांची स्तूप की ये लघु संरचना आपको भेंट की जाती है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के इतिहास की दृढ़ता का परिचायक है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद महोदय। दोस्तों, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके लिए परिश्रम बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इस बात को याद रखना है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। कोई भी कार्य उद्यम के बिना नहीं होता और आज का ये जो मंच है, जो परियोजनाएं आप सभी को समर्पित की जा रही हैं, ये उद्यम का ही प्रतिबिंब है। तो आप सभी लोगों की करतल ध्वनि के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री हरदीप सिंह पुरी जी को स्वागत संबोधन हेतु आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गण यहाँ उपस्थित, स्टेट प्रेसिडेंट और सांसद श्री वी डी शर्मा जी, विधायक गण मंच पर उपस्थित, सभी अतिथिगण, अधिकारियों, देवी और सज्जनों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ पे करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी और 9 साल के विकास कार्य के बाद आज क्या स्थिति है? 2014 में भारत में 45% ऐसे परिवार थे जिनको गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी। आज आपने 2014 के 14 करोड़ कनेक्शन को लेकर आज देश भर में 32 करोड़ गैस के सिलेंडर के कनेक्शन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 3 साल में जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपने देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनवाई, मुफ्त बांटवाई,
दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को ये वैक्सीन मुफ्त पहुंचवाई और इसी समय आपने देश के 80 करोड़ हमारे भारतीय नागरिकों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन भी पहुंचाया। दुनिया में जो कच्चे तेल के दाम पे जो तकलीफें हमने देखी, तेल का दाम $19.56 से लेके $128 पर बैरल पहुंच गया। भारत एक ऐसा देश है, आप दुनिया भर में देख लीजिए, विकसित देशों में कच्चे तेल का, पेट्रोल और डीजल का दाम 30-40-50% बढ़ा। भारत के आसपास जो देश हैं वहां पे भी 60-70% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसे कदम उठाए और पिछले 2 साल में भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं, 5% कम हुआ, डीजल का दाम भी 0.2% कम हुआ। आपने ये कैसे किया? आपने 2 समय, नवंबर 2021 और मई 2022 में, ऑन 2 occasions आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य हैं उन्होंने अपना वैट भी कम किया। आज ये स्थिति है हमारे पास कि जो बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं वहां पे आप कार्य विकास का काम देखे और बाकी जगह देखे तो सही पता लगता है। मैं आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट लेके मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 2014 में पेट्रोल पंप थे 2854, आज 2023 में पेट्रोल पंप है 5938, 108% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे 2014 में 865, आज हैं 1552, 80% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी कनेक्शन थे 70 लाख थे 2014 में मध्य प्रदेश में, आज 185 लाख कनेक्शन है, 170% की बढ़ोतरी हुई है। और आप एलपीजी पेनिट्रेशन देखें, जैसे देश में 45% था, 45-55% था, यहाँ पे 44% था, आज 100% एलपीजी पेनिट्रेशन है यहाँ पे, और 127% बढ़ोतरी हुई है। पाइप नेचुरल गैस 2014 में 2700 कनेक्शन थे, आज 2,15,185, 7,632% बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के स्टेशन मध्य प्रदेश में पहले 15 थे, आज 275 हैं, 1,735% की बढ़ोतरी हुई है। और नेचुरल गैस पाइपलाइन किलोमीटर में 802 किलोमीटर थी 2014 में, आज 6,862 है, 755%। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने उस समय दहेज में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बना के वहां पे रोजगार, समृद्धि और विकास का कार्य बनाया। मुझे पूरा विश्वास है आज ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट की जो एक्सपेंशन हो रही है और जो एथिलीन क्रैकर प्लांट बन रहा है, इससे रोजगार, समृद्धि, विकास होगा और बुंदेलखंड का एक शानदार विकास का कार्य यहाँ पे बढ़ेगा और शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब समय है लगभग 51,000 करोड़ की योजनाओं के उपहार के समर्पण का, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप इस सभा को संबोधित करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। बीना से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। हम सब के सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान हरदीप पुरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय गोपाल जी, भूपेंद्र जी, गोविंद जी, अरविंद जी, हमारे सांसद जी राज बहादुर जी, हमारे यहाँ के विधायक महेश जी, भाई सैलन जी, प्रदीप जी, हमारे उपस्थित सभी साथी, प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए हैं, आज कहते हुए गर्व होता है। हम बचपन में कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब पूरे दुनिया में भारत की जय जय हो रही है, मोदी मंत्र गूंज रहा है, हम सबका, देशवासियों का और देश का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था, उतरते हुए देखा सबने? अरे बचपन में हम कहते थे रूस भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रणाम और मोदी जी का वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी आपका। अब सूरज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मंगलयान भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों, केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा आप अशोक नगर हो, गुना हो, सागर हो, ये बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ा, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों कई उद्योगपति आए, यहाँ एंसिलरी यूनिट मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा, इसलिए हम प्रधानमंत्री को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए, आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोनों आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश, तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है, और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों, 4,00,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतने ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है,
कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं जोर से बोल के बताओ, की थी क्या? क्या किया कांग्रेस ने? और बीना वालों, बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई है 47 लाख हेक्टर, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कैन बेतवा का भूमि पूजन करने भी आप बुंदेलखंड की धरती पर जरूर पधारें, और आप चाहते हैं तो तालियां बजा के फिर आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री जी को। पूरा प्रदेश बदल रहा है, कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे प्रधानमंत्री आवास 2 लाख, कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया था 2019 में, कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, लेकिन कांग्रेस ने सूची नहीं भेजी, वो अभिशाप थे मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वरदान बन के आए हैं। और एक बात और, आज 14 सितंबर है, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछली बार भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे कूनो पालपुर, तब चीता प्रोजेक्ट मंजूर करके आए थे, और आज इतनी बड़ी सौगात देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जीवन उनके लिए नहीं है, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी और पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीते तो वो हैं जो देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं। और प्रधानमंत्री जी देश और जनता के लिए जीते हैं, एक एक क्षण देश के लिए उनका समर्पित है। वो दीर्घायु हो, वो चिरायु हो, वो स्वस्थ और प्रसन्न रह के देश का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और अब तो पानी की भी वर्षा ऐसी हुई है महाकाल महाराज की कृपा से कि किसान आनंदित है। एक बार हम सब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजिए, आपका स्वागत और अभिनंदन। आप देश की सेवा करते रहें, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा से मध्य प्रदेश की धरती को जो करोड़ों निवेश की ये जो परियोजनाएं हैं वो अब समर्पित होने जा रही हैं। आपको बता दें कि आज 49,000 करोड़ के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कस्तूरी करों द्वारा किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 1800 करोड़ के निवेश से विकसित होने वाले 10 औद्योगिक परियोजनाओं की भी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा रखी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर में 2 नए IT पार्क, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगार मालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। तो मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से BPCL बीना रिफाइनरी परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एवं मध्य प्रदेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का अनावरण करने का कष्ट करें। ये क्लिक यहाँ मंच पर आपके समक्ष, आपसे अनुरोध कि आप अपने शुभ कर कमलों द्वारा ये परियोजनाएं समर्पित करें।
धन्यवाद महोदय। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आभारी हैं कि आपने इस भारी निवेश की परियोजनाओं को, जो हम कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, उस चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित किया है। और जो व्यक्ति चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित करते हैं, हम उन्हें जिगर वाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो पांव रखते हैं वहीं जहां कोई रास्ता नहीं होता। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के। और अब बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर तैयार किया गया एक चलचित्र, एक लघु फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध कला संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और सुनी अनसुनी वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्य नीति के परिणाम स्वरूप आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारत पेट्रोलियम निरंतर प्रयासरत। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश स्थित वीरों की भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए बीना रिफाइनरी की 7.8 MMTPA क्षमता का विस्तार कर 11 MMTPA किया जा रहा है। साथ ही यहां उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 MMTPA क्षमता के एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है। लगभग 49,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण के दौरान लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और परियोजना पूर्ण होने के उपरांत 1,00,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आजकल पेट्रोकेमिकल से बनी वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होने के साथ साथ किफायती भी होती है। जैसे पाइप्स, फर्नीचर, कंटेनर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, विभिन्न प्रकार की फिल्म, कृषि उपकरण, निर्माण कार्य उपयोगी उपकरण इत्यादि। ये परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। पेट्रोकेमिकल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे फिल्म, फाइबर, इंजेक्शन मोल्डिंग, ग्लो मोल्डिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा। इन उद्योगों के खुलने से क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा, साथ ही स्थानीय लोगों को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के भी अवसर मिलेंगे। इस संयंत्र के आरंभ होने से देश में होने वाले आयात में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। आज बड़े हर्ष एवं गर्व का क्षण है, जब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। हम सभी लोग ये आशा रखते हैं, लोकः समस्तः सुखिनः भवतु, हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के जीवन में सुख हो। लेकिन आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कृत्यों के कारण वो सुख आत्मनिर्भरता का रूप लेकर हर घर में पहुंचने वाला है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए। और अब 1800 करोड़ के निवेश की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं पर बनी एक लघु फिल्म का साक्षात्कार यहां मंच से किया जाएगा। Thank you.
विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सपनों को हकीकत बनाता मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, और केंद्र में बसा है इसका हृदय स्थल मध्य प्रदेश। इसकी सरजमीं पर विकास के अपार अवसर मौजूद हैं। यहां सपनों का संगम हकीकत से होता है और भविष्य को सवारा तथा निखारा जाता है। तभी तो राज्य में 1,25,000 एकड़ से ज्यादा औद्योगिक लैंड बैंक पर एक से बढ़कर एक उद्योग धंधे पनप रहे हैं, जिसमें सहयोग करता है राज्य का औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त जलापूर्ति, गुणवत्तापूर्ण सरप्लस विद्युत उपलब्धता और कुशल मैनपावर। राज्य में औद्योगिक विकास की कहानी में नए सोपान को जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 नवीन विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। पहली परियोजना जिला नर्मदापुरम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र है। करीब 227 एकड़ में फैली ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर 6,600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना 75,400 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे 1,72,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने वाली इस परियोजना को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भरपूर लाभ मिलेगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टर्स के उद्योग स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का, तो हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करें। इंदौर में आईटी पार्क 3 और 4 के होने से आईटी एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज यानी आईटीईएस के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मध्य प्रदेश तैयार हो चुका है। इस पहल से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मक्सी, शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगर, मालवा और नर्मदापुरम में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की भी योजना है। ऐसी रणनीतिक पहल का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं में 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित होगा। इन विकास परियोजनाओं से राज्य के लगभग 33,000 नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रदेश के नागरिकों के लिए आशा, विकास और उज्ज्वल भविष्य भी सुनिश्चित करती हैं। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार। वाकई में